दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास है स्पॉन्टेनियस इमिशन। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब लोअर एनर्जी स्टेट हो गया, यहाँ से हमने एब्जॉर्ब हो गया हमारे पास पार्टिकल, ठीक है ना, हायर एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब हायर एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद क्या होगा? इमिशन। ये हम एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था पूरा डिटेल में, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने आइंस्टाइन कोफिशियंट वगैरह भी डिस्कस किए थे, तो आप देख सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब ध्यान से देखना, देखो ये क्या है, स्टिमुलेटेड था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हम बाहर से फोटोन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब जाके एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब हायर एक्साइटेड स्टेट में जब हमारे पास पार्टिकल चला जाता है, ठीक है ना, तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में उसका जो लाइफ टाइम होता है कितना होता है, 10^-8 सेकेंड होता है, तो वो वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो द प्रोसेस बाय विच द एक्साइटेड एटम जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट विद इमिशन ऑफ अ फोटोन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप आया है, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर वो अभी क्या है, अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या है, लोअर स्टेट में आया, तो अपने आप आया, नेचुरली आया, इसलिए क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये बिफोर फोटोन इमिशन, इमिशन से पहले कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में है, और ड्यूरिंग ट्रांजिशन, फोटोन का इमिशन हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, देखो ये फोटोन का इमिशन हो रहा है, ठीक है ना। अब कहाँ चला गया हमारे पास, लोअर एनर्जी स्टेट में, ये समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फोटोन ड्यूरिंग ट्रांजिशन हायर टू लोअर स्टेट, कोई डाउट है। अब द स्पॉन्टेनियस रेट जो होता है हमारे पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। अब ये हमारे पास क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट है, ये क्या है, अपर एनर्जी स्टेट है। अब यहाँ पे एन टू, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन हायर स्टेट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लोअर एनर्जी स्टेट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हायर स्टेट में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस पर निर्भर करेगा क्या, स्पॉन्टेनियस इमिशन, समझ में आया। तो जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं एक्साइटेड स्टेट की बात, स्पॉन्टेनियस इमिशन में बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। और ये अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है, तो एनर्जी डेंसिटी पर तो निर्भर करेगा नहीं, जिस तरीके से हमने, मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या था, जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था, तो वो एब्जॉर्प्शन जो लोअर एनर्जी स्टेट में पार्टिकल थे उस पर निर्भर कर रहा था, और जो हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड किया उस पर निर्भर कर रहा था एब्जॉर्प्शन रेट। यहाँ पर इमिशन रेट सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हायर स्टेट में उस पर निर्भर करेगा, समझ में। बाहर से जो हमने एनर्जी हमने दी नहीं है ना यहाँ पे, तो उस पर निर्भर क्यों करेगा, तो जो स्पॉन्टेनियस रेट है नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट एन टू पर निर्भर करेगा, ठीक है। और ये देखो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या आ गया हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे A21। आपको ध्यान हो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, यदि स्टिमुलेटेड हो तो आइंस्टाइन कोफिशियंट दो ही होंगे, एक तो स्टिमुलेटेड होगा, एक होगा स्पॉन्टेनियस, तो जो नेचुरली होता है उसके लिए हम A इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टिमुलेटेड होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं B। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ है, तो इस्तेमाल किया गया है A। कहाँ से हुआ है, 2 से 1 में आया, हायर स्टेट से 1 में आया है, ठीक है, ये हो गया N2, कोई डाउट है। तो A21 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशियंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी हमें बताता है वेदर इमिशन विल टेक प्लेस और नॉट, इट इंडिकेट्स, ठीक है ना। तो इट इज़ टू बी नोटेड डेट प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, देखो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो इंडिपेंडेंट है इंसिडेंट लाइट एनर्जी पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि लाइट हमने इंसिडेंट करके थोड़ी ना इमिशन कराया, वो तो नेचुरली हुआ है, समझ में आई बात। दूसरा अब ध्यान से देखना, अब स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट इवन टू हायर एनर्जी स्टेट। देखो ये स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, जो ट्रांजिशन हो रहा है, अब ध्यान से समझना, देखो एक E1 स्टेट है, E2, देखो ऊपर से नीचे तो आ सकता है, आएगा तो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, समझ में, लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा,
यानी मैं यदि कहूँ स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता, समझ में आया, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन हो सकता है क्या? नहीं। क्या अपने आप इसके पास कहाँ से आएगा एनर्जी? हम बाहर से देंगे तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो अपने आप, अब ऐसे थोड़ी ना है कि जैसे ये मैं बताऊँ, यहाँ पे कोई बुक रखी हुई है ना, और वो बुक क्या उठ के यहाँ आ जाएगी? नहीं आ सकती, स्पॉन्टेनियस नहीं है, समझ में आया। तो देखो स्पॉन्टेनियस की बात आ रही है, तो आइंस्टाइन कोफिशियंट होगा ना जो स्पॉन्टेनियस लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं हो सकता ऐसा, तो वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, समझ में आया। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है ना स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की, E1 टू E2 लोअर टू हायर, वो क्या है? जीरो। तो ये जीरो होगा, समझ में आया। यहाँ पर ये 2 से 1 में है, ये तो हो सकता है अपने आप, समझ में आई बात। अब देखो जैसे मैंने आपको ध्यान हो जब पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो हमने क्या पढ़ा था, 1 से 2 में क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी जाने की। तो हमने पढ़ा था किस पर निर्भर करती है, एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर करती है जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आता है, ये स्टिमुलेटेड प्रोसेस था, स्टिमुलेटेड प्रोसेस तो 1 से 2 में जाता है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे तो ये केस है ही नहीं, ये है ही नहीं, एनर्जी डेंसिटी तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आइंस्टाइन कोफिशियंट के। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना, 2 से 1 में इमिशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो 2 से 1 में गया, तो वो यानी 2 से 1 तो ही आएगा हमारे पास, समझ में आया बात, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंपली क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन के जो आइंस्टाइन कोफिशियंट जो है उसके इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, इनवर्स ऑफ लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड लेवल, जो एक्साइटेड लेवल है हमारे पास जो E2 एनर्जी स्टेट है। अब यदि आपको ध्यान हो जब मैंने नेचुरल विड्थ आपको पढ़ाया था, नेचुरल विड्थ में बताया था जो स्पॉन्टेनियस जो टाइम होता है हमारे पास, वो जो हायर एक्साइटेड स्टेट होती है उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन के, समझ में, आइंस्टाइन कोफिशियंट के। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी यदि आपको ध्यान हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना, लाइफ टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, या मैं लाइफ ये स्पॉन्टेनियस लिख सकता हूँ यहाँ पे, समझ में आई बात, ठीक है। तो 8/1 जैसे हमने बताया ये क्या, आइंस्टाइन कोफिशियंट है फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, इसको रेडिएटिव रेट भी बोलते हैं। अब एग्जाम में रेडिएटिव रेट लिखा जाए यदि पता ही नहीं है कि आइंस्टाइन कोफिशियंट जो होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन को ही बोलते हैं, तो सब गड़बड़ कर दोगे आप। तो इसको रेडिएटिव रेट भी बोलते हैं क्योंकि एनर्जी का इमिशन हो रहा है ना, ठीक है ना। और ये प्रोबेबिलिटी शो करता है 2 से 1 में, यानी लोअर स्टेट से वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्स्टेंट हो रहता है हर एटम के लिए, समझ में आई बात। और देखो यही मैं बता रहा था, जो इनवर्स होता है ना, 1/2 जो इनवर्स होगा आइंस्टाइन कोफिशियंट का स्पॉन्टेनियस इमिशन में, वो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का, समझ में आई बात, ठीक है, इसको ही मैं डिस्कस कर रहा था। अब ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो स्पॉन्टेनियस इमिशन जब होता है ना, नेचुरली होता है, अपने आप होता है, नेचुरली होता है, अपने आप होता है बिल्कुल, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी। तो रैंडम डायरेक्शंस में फोटोन इधर उधर निकलते हैं, तो वी हैव नो कंट्रोल ओवर व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू लूज एनर्जी। अब एक्साइटेड स्टेट में कोई हमारे पास एटम है, वो कब एनर्जी रिलीज करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, तो नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इसी वजह से ना जो लाइट इमिट करता है वो पूरी इनकोहरेंट होती है। तो ये मल्टीपल चॉइस में एक बार पूछा गया था कि जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, क्या स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस में कौन सी लाइट निकलती है, इनकोहरेंट लाइट निकलती है, ध्यान रखना। एक हम आगे पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन, ये तो स्पॉन्टेनियस है, हम आगे पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन, उसमें जो लाइट निकलती है वो कोहरेंट निकलती है, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना जो स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ है वो इनकोहरेंट लाइट रिलीज करेगा, रीज़न मैंने आपको भी बताया, ठीक है ना। अब हर लाइट, अब मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या, ये एटम है, है ना, अब इसने एक्साइटेशन हुआ है E2 से E1 में अपने आप, तो जो लाइट निकला उसका इंटेंसिटी कितना है, मान लो आई
और मान लो एन एटम है तो टोटल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा एन आई, समझ में आया? ठीक है ना, तो जो नेट इंटेंसिटी होगा प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ रेडिएटिंग एटम्स, कितने एटम्स रेडिएट कर रहे हैं, और आई क्या है, इंटेंसिटी है एक एटम की जो लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस होता है ना, मोस्टली जो कन्वेंशनल लाइट सोर्स होते हैं हमारे, जैसे बल्ब वगैरह होते हैं ना, ट्यूबलाइट वगैरह होती है, जो कन्वेंशनल लाइट सोर्स होते हैं उसमें ही मोस्टली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, लेज़र में नहीं होता। लेज़र में क्या होता है, स्ट्यूमुलेटेड, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल लाइट सोर्स होते हैं उसमें मोस्टली स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस हमारा लाई करता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, नमस्कार।